हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज का एक और टॉपिक जिसका नाम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिसको एस भी कहा जाता है तो चलिए शुरू करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज इन विच द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज आर डन ऑन अ स्मॉल और माइक्रो स्केल तो बेसिकली ये वो इंडस्ट्रीज है जिसमें माल बनता है या मैन्यूफेक्चर होता है या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराई है जाती है दूसरों को जो कि सारा स्मॉल स्केल पे काम होता है स्मॉल या माइक्रो स्केल पे दीज इंडस्ट्रीज मेक अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी प्लांट एंड इक्विपमेंट विच डॉट एक्सीड टेन करोड़ तो ये छोटी छोटी कंपनियां जब भी इस्टेब्लिश करती हैं अपने आप को तो इनमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो दस करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए एंड द एनुअल टर्न does नॉट एक्सीड पचास करोड़ तो उनकी एक साल की कमाई पचास करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए अगर इससे ऊपर आती है तो वो मीडियम टाइप इंडस्ट्री में आ गई लार्ज स्केल में तो नहीं आई मीडियम में आगी मगर उनको फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नहीं कहा जाएगा ठीक है नेक्स्ट आ जाता है रोल और इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है सबसे पहले इंप्लॉयमेंट स्माल स्केल इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव लेबर इंटेंसिव का मतलब लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है कि लेबर का इस्तेमाल ज्यादा करती हैं और कैपिटल मतलब मशीन का इस्तेमाल कम करती हैं। दे प्रोवाइड एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जब लेबर का इस्तेमाल करेंगी ज्यादा लेबर से ज्यादा काम करेंगी तो जॉब्स तो जनरेट होंगी ही नेक्स्ट एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल इन बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट पॉपुलर आकुपेशन अगर एग्रीकल्चर देखें तो जो हमारा सब कॉन्टीनेंट है एशियन कंट्रीज उसमें एग्रीकल्चर बहुत जो मशहूर है ठीक है एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं मगर एग्रीकल्चर को छोड़ दें तो ये छोटे छोटे बिजनेसेज होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा लोग लगे हुए हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑल्सो प्रोवाइड

प्रोवाइड मोर इनकम टू द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज़ विच इम्प्रूवज़्ज देर इकोनॉमिक कंडीशन इन विलेजेस सिंपल वर्ड्स में जब भी ऑफ सीजन होता है तो जो विलेजेस वगैरह में लोग रहते हैं अगर उनके पास ज़मीन है नहीं है जो भी है तो अगर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज खुली हुई हैं वहाँ पे छोटी छोटी कंपनियाँ खुली हैं वहाँ पर ये यूथ को या फिर वो लोग जिनके पास कोई काम नहीं है उनको जॉब्स देते हैं और उनको इनकम प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेनटेन रख सकें promotion of artistic and creative uh, creative sense small scale industries which are set up in rural areas provide scope for promotion of artistic achievement and creativity uh, that has been suppressed in the uh, rural areas basically आपको पता है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो छोटे छोटे क्रिएटिव काम करती हैं फॉर एग्जांपल टोकरियाँ बनाना मंजी बनाना मंजी मतलब एक टाइप का बेड होता है वो बनाना रस्सियों के थ्रू या फिर आर्टिस्टिक चीज़ें बनाना या फिर कुर्सियाँ बनाना वो बैम्बू की ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव सेंस जिंदा रह सकती है ठीक है नेक्स्ट आ जाता है रूरल डेवलपमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर सेटअप इन रूरल एरियाज़ दैट लीड टू देयर डेवलपमेंट रिजल्टिंग इन रूरल री बेसिकली ज़्यादातर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सब अर्बन एरियाज़ में खुली होती हैं या विलेजेस में खुली होती हैं जिससे वहाँ की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है और वहाँ की जो सस्टेंड ग्रोथ हो जाती है और रीजनल डिस्पैरिटी कम हो जाती है क्योंकि अगर छोटी सी कंपनी भी खुलेगी तो रोड भी अच्छा हो जाएगा बिजली की फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी तो ये काफ़ी ज़्यादा जो लिंकेजेस होते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस वो इसमें आ जाती हैं अब फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस क्या होते हैं इसके लिए मैं एक सेप्रेट वीडियो लेके आऊँगा वो डेवलपमेंट इकनॉमिक्स का टॉपिक है ये वो यहाँ पर मिक्स नहीं करूँगा मोबिलाइजेशन ऑफ रूरल रिसोर्स बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ फैसिलिटेट मोबिलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज बेसिकली जितनी भी छोटी छोटी कंपनियाँ हैं वो लोकल रिसोर्स या लोकल चीज़ों को इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करने की जो है उस फेवर में रहती हैं बजाय इसके कि इंपोर्टेड चीज़ें वो इम्पोर्टेड चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करेगी लोकल जो बनी हुई चीज़ें हैं उसी को इस्तेमाल करके काम चलाने की कोशिश करते हैं विच माइट अदरवाइज रिमेन अनयूटिलाइज जो चीज़ें पहले अनयूटिलाइज थी उनको यूटिलाइज करके अपना बिजनेस चलाएंगी ठीक है दिस हेल्प्स इन टैपिंग द रिसोर्स लाइक एंटरप्रेन्योरल स्किल्स या एंटरप्रेन्योर स्किल्स एंड स्मॉल सेविंग्स स्पेशली इन रूरल एरियाज़ तो रूरल एरियाज के लिए काफी हेल्पफुल है ये तो रूरल एरियाज में जो छोटे छोटे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी इंकरेज करती है और रूरल एरियाज में सेविंग्स को एनकरेज करती है आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी ये भी नहीं कह सकता कि इस वीडियो के बाद यह वीडियो आएगी क्योंकि ये चैप्टर ही खत्म हो गया ठीक है नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर का आएगा टिल देन टेक केयर है